चैन दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक। किया जैसे देख सकते हो कि मेरे हाथ में है भाई 1 लीटर फ्यूल। अभी इसमें जो है वो पहले ख़त्म करना है। कंपनी बोलती है कि 55 किलोमीटर पर लीटर देती है, एक बार चेक करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो दीदी? तो बाइक का प्राइस है ना 235 ऑन रोड, तो डिज़र्व करती है उतना एवरेज देती है या नहीं देती है। ये वीडियो लास्ट तक देखना आप, अगर आपको अच्छी लगे तभी आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसा लीटर का मतलब ये निकाल रहा हूँ माइलेज। बहुत बंदों ने कमेंट भी किया था अपने को। शाम होने को है, देखते हैं यार। मेरे को उसमें एक कैरी किया 1 लीटर, वो इसमें डालवाना है, फिर और भी माइलेज टेस्ट करना है कितना पूरा। मैं 1 लीटर डालूंगा। कुछ बंदे होते हैं जो कि 1/2 लीटर डालते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर उतना आएगा एक्सेट्रा। यूट्यूब पे मैंने बहुत सी वीडियो देखा है, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि भाई एक का 30 आया था, तो एक का भाई 55 आया था। बहुत मतलब अजीबोगरीब है। तो मैंने सोचा कि अपन भी बना ही लेते हैं, वैसे भी कुछ ना कुछ ऐसे हटके चाहिए, तो वो दे देते हैं अभी व्यूवर्स को भी। बंद गिरी थी, मतलब बंद नहीं वैसे ही थी, मैंने रुकाया था, बट एक दो बार मिस हुई है। अभी क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर चलेगी, तो एक ही सेल में स्टार्ट हो गई, उसके बाद देखते हैं अभी कितना चलती है। और आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर। ये देखो अभी पावर ड्रॉप कर रही है वो ख़त्म होने पे, मतलब ये देखो मैं पूरा थ्रॉटल दे रहा हूँ। ये देखो जिंदगी में मेरे पास पहली बार हो रहा है, ये देखो थ्रॉटल दे रहा हूँ बट खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। कितना चली गया अभी ये? तो खत्म भाई, खत्म गया। बार देखते हैं फिर से ऑन होती है या नहीं। नहीं हो रही भाई, छोड़ो। तो रिजर्व पे कम से कम भाई ये चल चुकी है 27। मैंने आपको रिजर्व का भी बताया, ये कोई नहीं दिखाता। अच्छा 20 मतलब उससे भी ज़्यादा चली है, लगभग 30 किलोमीटर रिजर्व पे चलती है। तो अभी मैं 1 लीटर डलवाता हूँ निकाल। ये रही पूरा 1 लीटर, किधर है? है देखो 1 लीटर, चेक कर लेना। तो इसमें डालता है भाई, ये चेक करो, ऐसा ग्लास को है ना कट करके लगाया, सीधा अंदर ही जाएगा। ये जा रहा है अपना कीमती पेट्रोल पूरा 1 लीटर। धीरे हाथ मारो, अबे थोड़ा गिर गया यार। एक एक बूंद का हिसाब है भाई। चलो अभी इसमें और 1 लीटर लेना है भाई अपने को घर जाते हुए, नहीं तो पता चला बीच में ही वगैरह सब कुछ डाल के हो चुका है, ट्रिप कर चुका हूँ 0। अभी टेस्ट करते हैं भाई हम किधर आ गए, और हमारा आधा वो होता है ना संडे राइड इधर ही हो गया। अभी इधर से यू टर्न मारते हैं, फिर चेक करते हैं। लेट्स गो। एंड पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप भी भराता है। अपनी बाइक फर्स्ट चार्टर में स्टार्ट होती है या नहीं होती है वो चेक करते हैं। वाह, मानना पड़ेगा यार, अभी इधर ट्रिप 20 है। अभी देखेगी कितना असल में कितना माइलेज निकाल गलती है, और वो पूरा हाइपर राइड करेगा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ही हाइपर राइड जैसे आते हुए कर रहा था ना 110 120, वैसे ही। लेट्स गो।
हो चुकी है यार, अभी ठंड बजेगी काफ़ी, और कुछ 2.5 किलोमीटर ही हमें आगे आया है, बट थोड़ा सा 13.3 चल चुकी है, कुछ भी लैगिंग नहीं है भाई। वहाँ ऐसा लगता है कि कम से कम 40 देगी। मेरे पीछे पिलियन भी है, उस सामने का व्यू चेक कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, प्यारा है, बट अपना इधर दूसरा कंटेंट है आज, इतना ये नहीं है। अपनी जल्दी एक राइड होगी भाई, और मैं फिर से आज वाइज़र चेंज करना भूल गया, वाइट मतलब डे का ही है, नाइट में कुछ काम का नहीं है, कोई तो राइड पे चलता है, बहुत दिन हुआ है राइड पे नहीं है, चलते हैं। एंड बताना मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, जो रिएक्शन वीडियोस थे बनी पे, अगर नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो, और बताना आपको पसंद आए या ना आए, फिर और भी बनाने मुझे, मैं बना सकता हूँ वैसे बहुत सारे, बट तो भी यार आपको जो पसंद आएगा वो बार बार एक ही चीज़ दोहराने में कोई मज़ा नहीं होता है। इधर से अपनी हाइपर राइड स्टार्ट होती है, एंड एयर विंड बहुत ही ज़्यादा आएगा, उसके लिए सॉरी भाई, ये हमेशा भूल रहा हूँ मैं वो वाइज़र का, खैर कोई बात नहीं, कर लेना यार उतना सा एडजस्ट, बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड कर दूंगा या तो कुछ जुगाड़ कर दूंगा, बट ऐसा ये मत मानना, बुरा मत मानना, ये मेरी ही गलती है, इसकी वजह से हुआ है। इधर से पूरा अपना मैं बता रहा था कि इधर से अपना हाइपर राइड स्टार्ट होगा, तो देखते हैं माइलेज क्या आएगा निकल के, ठीक है। अपनी बाइक चल चुकी है यार 27.6 किलोमीटर, अभी तक 0 लैगिंग है, ये चेक करो, पहले ही इसमें सेल में उठ रही है। अभी उधर से फ्यूल ले रहा हूँ मैं, मतलब उधर से आने जिधर ख़त्म हो जाएगा उधर, लगभग बहुत ही अच्छा माइलेज दे रही है, चौके नीचे उतर ही नहीं रहा हूँ, बढ़िया अब तक, अच्छे है भाई 27, और भी चलेगी, मुझे जितना लग रहा है कि और लगभग हर 13 किलोमीटर मतलब 40 के आसपास चलेगी, जितना मेरा अनुमान है। ये अपन आ गए भाई अपने सिटी, देखते इधर थोड़ा सा ट्रैफिक है, कितना माइलेज निकाल के देती है। अरे दीदी जी साइड में हो जाओ ना यार, आप क्यों बीच में खड़े हो, चलो। थर्टी वन किलोमीटर चल चुकी है, और वो एक यूट्यूबर था, उसने बोला था कि भाई 30 चल चुकी है उसकी, अबे यार झूठे हो स्प्लेंडर, चलो और भी देखते हैं कितना चलती है, अपना अलग रिजल्ट निकलेगा ऐसा लग रहा है। खत्म भैया, चल चुके हैं 35.2
किलोमीटर, वो भी एक पिलियन और पूरा हाइपर राइड के साथ। अपने चेक करा 100 के नीचे नहीं, अच्छा दे रही है भाई 35, अगर पिलियन ना बिठाओ तो 40 दे देती है। ऑल राइट, यही था भाई। एंड बताना कैसा लगा, और ऐसे गलत जगह में खत्म हुआ है ना ये, अच्छा वहाँ हमने फ्यूल कैरी किया, वरना इधर दूर दूर तक देखो भाई कोई नहीं है, कुछ भी नहीं बाईपास पे, इधर फ्यूल किधर भी नहीं मिलता भाई, नो वे। तो दैट्स इट, अपने को फाइनल जो रिज़ल्ट मिला है 35.2, भाई मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, बहुत कम दिया है, मेरे एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 40 के अबो, खैर कोई ना, अच्छा खासा निकाल के तो दिया है भाई, हाइपर राइड किया पूरा, ऐसे कभी ब्रेक मारा ऐसे लगा ही नहीं कि मैंने ब्रेक भी लगाया, एक बार थ्रॉटल जो दिया तो देते ही गया था। चलो बाय बाय, खत्म, मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहो भाई, अभी मैं निकलता हूँ मेरे घर पे, बाय बाय। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं यार, कुछ उखाड़ ले यार जिंदगी में, कुछ कर ले हैं, बाय।